कोरोना वैक्सीन तो पंजाब सरकार वालों की जा रही कमाई का हूँ खुलासा होया। दस दें कि जिथे कि इस वेले देश भर में वैक्सीनेशन से जोर दिता जा रहा है उत्थे पंजाब सरकार वालों इस लैके की गई कमाई का खुलासा होया। 400 रुपए खरीदी वैक्सीन की खुराक निजी हस्पतालों 1060 रुपए पंजाब सरकार बेच रही है। निजी हस्पताल आम लोगों 1560 रुपए के वैक्सीन बेच रहे हैं। सरकार वालों वैक्सीन CMR फंड के नाते खाता खोल के कमाई के पैसे इस विच जमा करवाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार वालों हासिल कीतियां 1 लाख खुराकों चो 20,000 निजी हस्पतालों नूं वेचियां गईयां ने। 18 तो 45 साल के लोगों लिए हासिल कीतियां गईयां 1 लाख वैक्सीन दियां खुराकां अते ए हुण जिहड़ा खुलासा होया कि किस तरह 400 रुपए खरीदी वैक्सीन की खुराक निजी हस्पतालों 1060 रुपए सरकार ने बेचिया। उधर निजी हस्पतालों ने आम लोगों नूं यही वैक्सीन 1560 रुपए लगाई है। सरकार वालों वैक्सीन CSR फंड के नाते खाता खोल के कमाई के पैसे इस विच जमा कराए जा रहे हैं। दसदी कि पंजाब सरकार वालों हासिल कीतियां 1 लाख खुराकों चो 20,000 निजी हस्पतालों नूं वेचियां गईयां ने। 18 तो 45 साल के लोगों लिए हासिल कीतियां गईयां 1 लाख वैक्सीन दियां खुराकां जिन्हां चो हुण 20,000 जिहड़ियां निजी हस्पतालों नूं वेचियां गईयां ने। लेकिन किस तरह दे नाल इस तों कमाई करदे होए सरकार ते निजी हस्पताल नजर आ रहे ने ए आंकड़े अपने आप च साबित करदे ने। तलोचन जी दे नाल गल करदे आं। तलोचन जी, जिथे कि इस वेले आम आदमी कोरोना दे नाल पीड़ित किस तरह दे नाल त्राही त्राही करदा नजर आया है, अजे विचकार सरकार वालों वैक्सीनेशन ते जोर जरूर दिता गया, लेकिन इस खुलासे ने हैरान कर दिता है सब नूं। बिल्कुल जी, जो जानकारी मिली है पंजाब सरकार ने अपने कोटे की जी वैक्सीन थी 1844 साल वर्ग ली वैक्सीन विचों प्राइवेट हस्पतालों वैक्सीन जी है वो सेल की है बेची है। जिसे तहत जानकारी मिली है कि कोवैक्सीन जी है 400 रुपए प्रति डोज जी पंजाब सरकार हासिल हुई थी और ये डोज जी है 1060 रुपए प्रति डोज जी है अगे प्राइवेट हस्पतालों बेची गई है। तो प्राइवेट हस्पतालों ने अगे ये 500 रुपए के करीब मुनाफा लैके टीके लाए थे। तो इस संबंध में जो अगली जानकारी मिली है कि एक सरकार ने कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी CSR एक नीति बनाई और तहत वैक्सीन जी प्राइवेट हस्पतालों दी गई और ये जरा माड़ा प्रभाव यह पाया भी खुद जोड़े पंजाब सरकार के अपने वैक्सीन सेंटर से वो बंद पे ने, खास करके 18 साल तो बाद उम्र के जोड़े व्यक्ति ने वैक्सीन लाने लिए थां थां धक्के खा रहे हैं। तो ये नाल दी नाल जो ये संबंधी स्पष्टीकरण दिता जे नोडल अफसर ने पंजाब सरकार के विकास दर्ग IS अधिकारी ने उन्होंने जदों PDC ने गल की तो उन्होंने दसिया भी ये पंजाब सरकार का निरंतर प्रोसैस नहीं गा, केवल वन टाइम असी जी बहुत लिमिटड वैक्सीन जी सेल की है और यदा कारण यह दसया गया भी प्राइवेट हस्पताल जोड़े ने थोड़ी थोड़ी वैक्सीन जी है सीधी जी है मैनुफैक्चर जरा कंपनी जी को खरीदन के समर्थ नहीं, जिदे करके वैक्सीन दी जो प्राइवेट हस्पतालों भी यह मुहिम चल सके। उन्होंने मुताबिक यह कहना भी हूँ अगे तो वैक्सीन नहीं बेची जा रही, सिर्फ एक बारी बेची है और जितों तक रेट की गल की गई है विकास गर्ग उन्होंने ये बारे स्पष्टीकरण दिता भी जोड़ा 10,060 रुपए रेट है ये जो प्राइवेट हस्पताल जोड़े ने सीधे खरीदते कंपनी तो इस रेट से उन्होंने यह वैक्सीन मिलनी थी और जोड़ा ये मुनाफा मिले सरकार वो पैसे की भी वो वैक्सीन खरीदे भावें स्पष्टीकरण यह दिता गया पर मुख तौर पर गल यह सामने आती है कि वैक्सीन जी फ्री पंजाब सरकार ने लानी थी वो वैक्सीन खरीद के अगे मुनाफा कमा के प्राइवेट लेकिन प्राइवेट हस्पतालों नूं पैसे देने पै रहे ने और अजिहे विचकार सरकार लोगों नूं फायदा देने की बजाय इस ते मुनाफा कमा रही, उधर हस्पताल भी जिहड़ा है उस तों भी ज्यादा पैसे लगा के लोगों तक वैक्सीन पहुंचा रहे ने जिस दे नाल आम लोग हर पासों मार खा रहे ने। तो बिल्कुल एक पासे पंजाब सरकार ये दोष ला रही है भी केंद्र सरकार उन्होंने जी लड़ींदी वैक्सीन अभी तो 2-3 लाख प्रतिदिन डोजा लाने के समर्थ नहीं दे रही जिदे करके पंजाब वैक्सीन लाने की मुहिम बार बार रुक रही है, उदे विच विघन पै रहा, रुकावट पा रही है और दूसरे पासे खुद यह खुलासा होना भी पंजाब सरकार वैक्सीन जी है वो
खरीद के अगे मुनाफा कमा के प्राइवेट हस्पतालों दे रहे और प्राइवेट हस्पताल अगे वो वैक्सीन 1560 रुपए के करीब प्रति डोज के हिसाब से जी ला रहे हैं। ये अपने आप एक बड़ा खुलासा है, पर सरकार हूँ यह दावा कर रही है भी उन्होंने तो एक ट्रायल किया एक प्राइवेट हस्पतालों जस्ट उत्थे भी मुहिम चलाने जी दवाई दिती थी और भविख में उन्हों का यह दवाई बेच के प्राइवेट हस्पतालों देने का कोई फैसला नहीं है। जी जी तो लोचन जी शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी। सो एक वड्डा खुलासा जड़ा सामने आया कि कोरोना वैक्सीन तो पंजाब सरकार किस तरह दे नाल मुनाफा कमा रही है, जिसे 400 रुपए च खरीदी वैक्सीन की खुराक निजी हस्पतालों 1060 रुपए दे विच पंजाब सरकार ने बेचा है, उत्थे अगे निजी हस्पतालों वालों 1560 रुपए दे विच ए वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है।